अक्सर आप देखते हैं कि विदेशों की आर्थिक खबरें भारत के न्यूज़पेपर में छपता है, जैसे कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ गया, वहां एक्सपोर्ट बढ़ गया, वहां इंपोर्ट बढ़ गया, इस तरह के बहुत सारी खबरें आप भारत के न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। बट ये इंडिया के न्यूज़पेपर में क्यों छपता है भाई? डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और आज के इस लेक्चर में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि विदेशों में यदि कोई इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ेगा। और आज जो हमने स्पेसिफिक टॉपिक लिया है कि अमेरिका में यदि बेरोजगारी बढ़ रहा है तो उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं कि आपका जीआरएफ दिसंबर में ही क्वालिफाई हो, तो फिर आप मेरा बैच एक्सेलेंस बैच ले सकते हैं। बच्चों, इस पे अभी आपको 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यदि आप गेट इन आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करना चाहते हैं 2025 में, तो फिर आप मेरा ब्रह्मास्त्र 2 बैच ले सकते हैं। बच्चों, इसमें भी 30% का डिस्काउंट है। बच्चों, 15,000 का कोर्स है, अभी आपको 10,500 का मिल रहा है। तो बच्चों, देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में, क्योंकि इन कोर्सेज में मैं आपको दे रहा हूं वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर मत कीजिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए और कोर्सेज में जाइए और वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए देखते हैं कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ती है तो फिर इंडिया में उसका क्या प्रभाव होता है। जिस तरीके से आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं बच्चों, अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक थ्योरी या जनरल फिनोमिना यही है कि लोग वहां गरीब होंगे, क्योंकि लोगों को काम मिलेगा नहीं तो फिर वहां लोग गरीब होंगे, लोगों की इनकम कम होगी, होगी ना। जब आपके पास कोई काम नहीं रहेगा तो आपकी इनकम कम होगी, जब इनकम कम होगी, ये देखिए यदि जनरल बेरोजगारी बढ़ रही है बच्चों, यानी अनएम्प्लॉयमेंट यदि बढ़ रहा है ना बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इन यूएसए इंक्रीजेस, है ना बच्चों, यूएसए इंक्रीज होगा तो क्या हो? ये पहला पॉइंट आप देख रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यदि यूएस में बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट जो होगा वहां पे इनकम कम होगा, पता है आप लोगों को, वहां पे इनकम कम होगा, दैट इज इनकम, इनकम इन यूएसए डिक्रीज होगा बच्चों, डिक्रीज होगा ना। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इंपोर्ट होता है वो इनकम का फंक्शन होता है, पता है ना आप लोगों को। सो द इंपोर्ट है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं बच्चों, एम इज द फंक्शन ऑफ इनकम, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इनकम, यानी यदि आपके पास इनकम ज्यादा होगा तो ये जनरल फिनोमिना है कि हम इंपोर्टेड गुड्स ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। So, यहां पे आप देख सकते हैं कि इनकम यदि कम होता है यूएस में तो यहां से इंपोर्ट कम होगा, है ना बच्चों, यानी इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट डिक्रीज होगा, ठीक है। यहां एक बात ध्यान रखना है, इंपोर्ट कम होगा, पहली बात यह समझना है कि उनकी इनकम कम हो गई तो उनका इंपोर्ट कम हो गया, और इंडिया यूएस का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, हम वहां पे बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां जब इनकम कम हुआ तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं यदि उनका
इंपोर्ट कम हुआ, ये देखिए प्लीज, इंपोर्ट इन यूएसए डिक्रीजेस विच मीन्स इंडिया का एक्सपोर्ट कम होगा। क्या होगा बच्चों? विच इंप्लाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया डिक्रीज होगा। आप देख सकते हैं, यदि यूएस में इंपोर्ट कम हो रहा है तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कम होगा। अब इसके वजह से क्या होगा? जब इंडिया से एक्सपोर्ट कम होगा तो फिर यानी इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। अब तो यहां पे जो भी प्रोड्यूसर एक्सपोर्टेड गुड बना रहे थे या एक्सपोर्ट क्वालिटी गुड्स बना रहे थे या वो कमोडिटी बना रहे थे जिसको कि एक्सपोर्ट करना है, अब वो यूनिट बंद होंगी ना। यानी यहां पे देख सकते हैं कि इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया विल डिक्रीज मींस डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन इंडिया डिक्रीज होगा। डिमांड फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया विल डिक्रीज, है ना बच्चों? आप देखिए प्लीज, डिमांड फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया डिक्रीज होगा, है ना बच्चों? जब प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होगी, जो इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होगी, तो सम ऑफ द यूनिट विल बी शट डाउन। कुछ प्रोड्यूसिंग यूनिट को हमें बंद करना पड़ेगा या फिर कुछ वर्कर की छंटनी करनी पड़ेगी, है ना? सो यहां पे आप देख सकते हैं, कुछ प्रोडक्शन यूनिट को बंद करना पड़ेगा, है ना बच्चों? कुछ प्रोडक्शन यूनिट को बंद करना पड़ेगा, है ना बच्चों? या कुछ वर्कर की छटाई करनी पड़ेगी, कुछ वर्कर्स की छटनी करनी पड़ेगी, है ना बच्चों? करनी पड़ेगी, है ना? और दोनों ही केसेस में इंडिया में भी बेरोजगारी बढ़ेगा। दोनों ही केसेस में क्या होगा बच्चों? चाहे आप प्रोडक्शन यूनिट यहां बंद होते हुए देख रहे हैं या फिर कुछ लोगों की छटनी होते हुए देख रहे हैं, दोनों ही केसेस में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ेगा, है ना? सो इन बोथ द केसेस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इंक्रीज होगा ना बच्चों? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वी हैव इंपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम यूएसए। यदि आप यूएस का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं तो यूएस में यदि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो आप वहां से अनएम्प्लॉयमेंट को आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने यूएस से अनएम्प्लॉयमेंट को इंपोर्ट कर दिया। जैसे दैट इज, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, दैट इज
इंडिया इंपोर्टेड इंपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम यूएसए। ये तो एक पहला इंपैक्ट हुआ बच्चों, ये पहला इंपैक्ट हुआ कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो फिर इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा केस देखिए, यदि अमेरिका में, ये देखिए प्लीज, यदि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ती है, यदि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ती है तो और क्या हो सकता है। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ेगा, वहां पे इनकम घटेगा तो वहां पे सेविंग भी घटेगा। अब इन्वेस्टमेंट कम होगा डोमेस्टिकली भी और हमारे यहां भी, क्योंकि अमेरिका जो है हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। और यदि वहां पे इनकम कम हो रहा है तो वहां इन्वेस्टमेंट कम होगा डोमेस्टिक में भी, मतलब अमेरिका के लोग अमेरिका में भी कम इन्वेस्ट करेंगे, और आपके यहां जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा था या फिर FII आ रहा था यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा था, दोनों कम होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस आप देख सकते हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस सेविंग इन यूएसए डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन यूएसए एंड इंडिया डिक्रीजेस, मतलब दोनों जगह यूएस में भी और इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट घटेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दोनों। अब जब यहां इन्वेस्टमेंट घटेगा, यहां व्हेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डिक्रीजेस, अब क्या होगा, जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट घटेगा तो फिर यहां पे कुछ फैक्ट्रियां बंद होंगी, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंद होंगे, लोगों को अनएम्प्लॉयड होना पड़ेगा, है ना। सो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा इंडिया में, इनकम घटेगा, है ना बच्चों, इनकम आप कह सकते हैं, या फिर जीडीपी घटेगा। तो यानी इस ग्लोबल वर्ल्ड में, जिसको आप ग्लोबल विलेज कहते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में यदि कोई भी घटना घटित होती है तो भारत, इंडिया, आर्यवर्त उससे अछूता नहीं रहेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। यदि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें बच्चों, बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।